ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रवि प्रदोष की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। हर हर महादेव। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गया। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पुण्य जीवन व्यतीत करता है। बोलो ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव